पर बनाओ खट्टी मीठी पानी की पकौड़ी। सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। चटनी के लिए हमें हरा धनिया और पुदीना लेंगे और एक मिक्सी के जार में हम चटनी को बनाएंगे। यहाँ हम पुदीना और धनिया काट रही हूँ और हम लेंगे 2 हरी मिर्च, इसको भी काट लिया। अब यहाँ मैंने लिया है चाट मसाला, हींग, क्योंकि चटनी में हींग का फ्लेवर काफी अच्छा आता है। यहाँ डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून जीरा, काला नमक, नमक कम ज्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हो। यहाँ डाला है सफेद नमक और ये नींबू का रस। अब हम चटनी पीस ले रहे हैं। अब हमें पानी तैयार करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम ये जो चटनी है उसको हम छान ले रहे हैं अच्छे से, क्योंकि हमें पानी बनाना है, कुछ खट्टा कुछ मीठा कुछ तीखा। बस अच्छे छनने के बाद हम इसमें देखिए अच्छे से पानी छान लिया है हमने। अब इसमें मैं ऐड करी थोड़ा सा पानी, क्योंकि पानी बनाना है पानी की पकौड़ी के लिए। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये गुड़ का पानी है। 15 मिनट पहले मैंने गुड़ को भिगो के रख दिया था। आप ऐसे ही इसको करना और फिर छान लेना, क्योंकि हमें पानी चाहिए कुछ कुछ खट्टा कुछ मीठा कुछ तीखा। अब यहाँ है इमली, इमली को भी हम इसी तरीके से छान ले रहे हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट लिख के जरूर भेजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। यहाँ मैं डाला पुदीना और गार्निश के लिए मैंने पुदीना और धनिया की पत्तियां काट डाली है। यहाँ 1 पिंच हींग, क्योंकि चटनी में पहले से हींग था ही। यहाँ काली मिर्च तीखे के लिए, चिली फ्लेक्स और नमक, काला नमक और सफेद नमक, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हमारा पानी परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है और बस इसे हम फ्रीज रख देते हैं ठंडा होने के लिए। और यहाँ है बेसन, बेसन को भी अच्छे से हम नमक डालकर थोड़ा सा हींग डालकर अच्छे से फेंट लेते हैं। इतना फेंटेंगे कि इसका थोड़ा जो ये कलर है ये चेंज हो जाएगा और इस बेसन थोड़ी सी हवा भर जाएगी, जो जब हम पकौड़े डालेंगे तो वो थोड़े फूले फूले से और अंदर से स्पंजी बनेंगे देखिए। और मुझे फेंटते फेंटते 10 से 15 मिनट हो चुकी हैं और कलर भी चेंज हो गया। ये परफेक्ट है, इस स्टेज पर आप कर सकते हैं। अब ये रेडी है बनने के लिए और चेक करने के लिए एक कटोरी में पानी लीजिए और ये ड्रॉप डाल के देखिए तो ऊपर की तरफ आएंगे बेसन की पकौड़ी और उलट पलट करके इसको हम सेक लेते हैं। कितने अच्छे से फूल रहे हैं और होली पर काफी अच्छा लगता है जब, क्योंकि ऑयली खा खा कर हमारा मन भर जाता है। तो ये इस होली पर जरूर ट्राई करिए, कुछ खट्टा कुछ मीठा पानी की पकौड़ी, और खाने में बहुत टेस्टी है। आप किसी को भी सर्व कर सकते हैं और काफी पेट के लिए भी और टेस्ट के लिए भी और हर तरीके से काफी अच्छा। जब भी कभी मन करे आप इसको जरूर बनाइए। और देखिए ये हमारी बनकर तैयार हो गई है।